क्या पीरियड्स का ब्लड गंदा होता है? अगर हाँ आपका आंसर है तो क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग यही मानते हैं कि जो पीरियड्स का जो ब्लड है वो गंदा ब्लड होता है। अगर ना, तो इसका मतलब है कि उसमें जो स्मेल आती है या फिर उसका जो कलर है वो अलग क्यों होता है जो हमारा नॉर्मल ब्लड होता है, जो शुद्ध ब्लड होता है उससे? इसका आंसर दीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि जो पीरियड्स का जो ब्लड है, कुछ मिथ होते हैं लोगों के, वो भी हम दूर करेंगे, और क्या सही है अकॉर्डिंग टू साइंस वो भी हम जानेंगे। और इस क्वेश्चन से ही आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पता चलेगा कि कभी कभी क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब जो ब्लीडिंग है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि ये जो ब्लीडिंग है ये बिल्कुल नॉर्मल है और बहुत अच्छा है कि ये बाहर निकल रही, ताकि हमारी जो जो बॉडी है उसकी गंदगी बाहर निकल रही है। तो क्या ये सही है या फिर गलत है, उसको भी हम जानेंगे कि मतलब इस तरीके से ब्लीडिंग होना भी ठीक है या फिर नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने फीमेल का यूट्रस बनाया है। यूट्रस ये है ओवरीज दो, ठीक है। तो इसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि पहले ब्लड जो निकलता है ड्यूरिंग पीरियड टाइम वो कौन सा होता है। तो हम सबको पता है, आपने अगर मेरे पहले के वीडियोस देखे होंगे तो बहुत अच्छे से अब तक समझ गए होंगे कि जो ये यूट्रस है मतलब गर्भाशय है जिसको हम बच्चेदानी बोलते हैं, तो उसके सबसे अंदर वाली लाइन जब टूटती है तो वही क्या बनती है, वही होते हैं पीरियड्स, ठीक है, आप सभी जानते हैं। तो ये जो मैंने अंदर रेड कलर से बनाई है ये क्या है, सबसे अंदर की लाइन है जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। जब ये बाहर निकलती है तो यही, इसी को हम पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि जो पीरियड्स के टाइम में जो ब्लड बाहर निकलता है वो अच्छा है या फिर गंदा ब्लड है, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि वो ब्लड कैसा होता है, अच्छा ब्लड होता है, ठीक है। क्योंकि आप इतनी सी बात सोचिए कि जब अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो ये लाइन टूट के बाहर नहीं निकलती, इसका मतलब पीरियड्स बंद हो जाते हैं। जब प्रेगनेंसी अगर हो जाती है, जब कंसीव हो जाता है, तो उस टाइम में पीरियड्स नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो भ्रूण बनेगा, ठीक है, जो भ्रूण बनेगा वो किसमें जाएगा, इस लाइनिंग, ये जो परत जमी है, ठीक है, यहाँ पे जो मोटी सी परत बन जाती है, तो इसके अंदर ही जो भ्रूण बनेगा, जो आगे चल के जो बेबी बनेगा वो किसमें धंसेगा, इसके अंदर ही वो धंस जाएगा और यहीं से अपना खाना पीना सब कुछ वो लेगा। मतलब ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, उसको देती है जो भ्रूण है, उसको क्या करती है, उसका पालन पोषण करती है। तो इसका मतलब अगर इसके अंदर जो भ्रूण है वो जिंदा है, उसको पोषण मिल रहा है, तो ये ब्लड गंदा हो ही नहीं सकता, ठीक है। पहली बात तो ये ब्लड गंदा नहीं होता है, जिसमें किसी का पालन पोषण हो रहा है तो वो ब्लड गंदा कैसे हो सकता है, आप खुद से सोचिए। अगर गंदा होता तो क्या इसमें जो भ्रूण है वो सरवाइव कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि जो पीरियड्स का जो ब्लड है वो गंदा है। अब दूसरी बात ये कि इसमें स्मेल क्यों आती है फिर, ठीक है। तो पहले हम यही समझते हैं, एक हमें ये तो पता है कि जो लाइनिंग टूट के बाहर निकलती है इसी को हम पीरियड कहते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि उसमें स्मेल क्यों आती है। इसका मतलब हम समझते हैं कि ये जो दीवारें हैं जब टूटती हैं, कब टूटती हैं, कि जब मतलब यहाँ से जो अंडा बना वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, मतलब वहाँ पे कोई जो मेल का शुक्राणु नहीं पहुँचा, जिसकी वजह से वो भ्रूण में कन्वर्ट नहीं हो पाया, ठीक है, आगे चल के यहाँ पे मतलब वो नहीं लगना है। तो उसके बाद क्या होगा कि ये धीरे धीरे टूटने लगेंगी। क्यों टूटेंगी, क्योंकि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, देखिए हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल है, प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो क्या करता है, ये जो दीवारें हैं उनको मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है, इनको मेंटेन रखता है, लेकिन इसका लेवल क्या हो जाता है, गिर जाता है, ठीक है। कब गिर जाता है, जब ये जो अंडा होता है वो स्पर्म से नहीं मिलता है और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, मतलब वो भ्रूण आगे जायगोट बनेगा फिर भ्रूण बनेगा तो वो नहीं बनता है, तो उसके बाद क्या हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बिल्कुल गिर जाता है। जब इसका लेवल गिरता है तो ये टूट जाती है, जो परत होती है अंदर की वो टूट जाती है। वो किससे मिलकर बनी हुई होती है, वो ब्लड वेसल्स से मिलकर बनी हुई है, ठीक है, तो वो टूट जाएगी। जब टूटेगी तो वो ब्लड ही तो बाहर आएगा, ठीक है। तो अब होगा क्या, जब ये टूट जाता है तो तुरंत बॉडी से बाहर ब्लड नहीं निकलता है। पहले क्या होता है कि ये जो ब्लड है टूट टूट के, ये देखिए ये जो गर्भाशय की खाली जो आपकी जगह दिखाई दे रही है, तो उसके अंदर ये, इसको हम बोलते हैं गर्भाशय की गुहा या फिर हम बोलते हैं इसको कैविटी, ठीक है। तो इसके अंदर टूटने के बाद ये जो दीवारें हैं जब टूट जाती हैं तो इसके अंदर
क्लोट्स बन जाते हैं। क्लोट्स का मतलब है थक्के जैसे जम जाते हैं, ठीक है, और ये यहीं पे इकट्ठा होते रहते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद, कुछ घंटों के बाद, या फिर कभी कभी एक दिन भी लग जाता है, उसके बाद क्या होता है कि ये धीरे धीरे करके बॉडी से बाहर निकलता है, ठीक है। अब यहाँ पे उससे पहले क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब ये यहाँ पे जो थक्के जैसे जो दीवारें हैं वो टूट के और यहाँ पे जो इकट्ठा हो जाती हैं, तो क्या होगा, कुछ ऐसे केमिकल्स हमारी बॉडी से निकलते हैं जो कि इन ये जो थक्के हैं, जो गाढ़ा जो थक्का जम चुके हैं, तो उनको क्या करेगी, उनको पतला करती है। पतला करती है मतलब हमें ऐसा लगता है, जब जब भी पीरियड्स आते हैं हमें ऐसा लगता है कि वो जो लिक्विड है, जो ब्लड है, वो निकल रहा है। तो इसका मतलब है कि जब जब जो ब्लड आता है वो हमें बिल्कुल लिक्विड जैसा दिखाई देता है। कुछ थोड़े बहुत थक्के आते हैं, अगर बहुत बड़े बड़े थक्के आते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी जो ब्लीडिंग है वो बहुत ही हैवी हो रही है, ठीक है। जो बड़े बड़े थक्के आते हैं, मतलब ऐसा माना जाता है कि अगर 2.5 सेंटीमीटर से बड़े बड़े थक्के अगर निकल रहे हैं, जो क्लॉट्स हैं वो निकल रहे हैं, इसका मतलब है कि हैवी ब्लीडिंग हो रही है और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि जो केमिकल्स हैं जो इस खून को, जो जो थक्के हैं उनको नॉर्मल लिक्विड की तरह बनाते जा रहे हैं, तो वो पूरी तरीके से नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि उनको भी थोड़ा सा टाइम चाहिए उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, उन थक्कों को। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है और फटाफट ये निकले जा रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि ब्लीडिंग हैवी हो रही है, ठीक है। मतलब वो जो पीरियड्स है वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, नॉर्मल पीरियड नहीं है, इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, समझ में आया। तो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए इकट्ठा होते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे ब्लीडिंग होती है, और ये किसी किसी में 2 दिन के लिए, किसी में 3 दिन के लिए, किसी में 5 दिन के लिए, किसी में 7 दिन के लिए भी हो सकती है, और अगर 7 दिन से बहुत ज्यादा होती है, 8 या 10 दिन के लिए, तो उसको हम हैवी ब्लीडिंग में काउंट करते हैं। नॉर्मल ब्लीडिंग होती है 5 दिन की या फिर 7 दिन की, ठीक है, उससे कम भी मतलब नॉर्मल में काउंट हो जाता है। किसी किसी को 2 दिन ही होता है, तो ये जेनेटिक भी होता है, किसी में नॉर्मली ऐसा होता है, ठीक है, समझ में आया। अब बात रही ये कि इसमें स्मेल क्यों आती है। स्मेल इसलिए आती है क्योंकि ये जो ब्लड है कुछ टाइम के लिए यहाँ पे ठहरता है, यहाँ पे रुकता है, इसलिए ये जो ब्लड है उसमें स्मेल हो जाती है, ओके। जब इसमें स्मेल हो जाती है और इसका कलर भी चेंज हो गया है, क्योंकि पहले क्या थे, क्लॉट्स थे, उसके बाद उसमें कोई केमिकल मिला, उसके बाद ये बाहर आए, तो इसकी वजह से इसका जो कलर है वो भी चेंज हो जाती है, और उसमें जो स्मेल आती है, जो बदबू आती है, वो भी होती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ टाइम के लिए इकट्ठा रहता है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना डाउट आपके क्लियर हुए होंगे। और अब बात आती है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हम लोग कभी कभी सोचते हैं, इसी से आपको आंसर मिलेगा कि जो ब्लीडिंग होती है, तो बहुत बार आपने रेडी से सुना भी होगा आपस में, जब कभी कभी डिस्कस करते हैं कि बहुत अच्छा है, चलो सारी गंदगी बॉडी से बाहर निकल गई जब ज़्यादा पीरियड्स होते हैं तो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि अगर बहुत ज़्यादा थक्के निकल रहे हैं, बड़े बड़े थक्के निकल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ प्रॉब्लम है, और जो केमिकल्स हैं, वो केमिकल्स जो कि इसको, जो थक्के हैं उनको पिघलाने का एक तरीके से काम करते हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो ब्लीडिंग है वो जल्दी जल्दी से हो रही है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी होगी तो जैसे थक्के यहाँ पे पड़े हों वो बाहर आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत खुश होने की बात नहीं है, कि अचानक से ऐसा होने लग गया है कि अचानक से ही ब्लीडिंग बढ़ रही है, तो उसका चेकअप जरूर होना चाहिए, क्योंकि हैवी ब्लीडिंग से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। किसी किसी के जो माइंड में जो मिथ थे कि पीरियड का जो ब्लड है वो गंदा होता है, पीरियड्स ज़्यादा होने भी अच्छी बात है, पेट की सफाई हो जाती है, तो आई होप आपको उनके आंसर्स मिले होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, कोई टॉपिक है, कोई सजेशन है तो मुझे आप बता सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं कोशिश करूंगी कि वीडियो बनाऊं। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि हैवी पीरियड्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा किसी किसी को ब्लीडिंग होती है तो वो क्यों होते हैं, क्या ये नॉर्मल है या फिर नहीं है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो आएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।